वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सोटिक क्रोसेस। मैं आज इस वीडियो में 32 इंच माप की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो आइए शुरू करें। तो हमारी ब्लाउज़ की सबसे पहले माप देख लेंगे। लंबाई 12 इंच, चेस्ट 32 इंच, कमर 28 इंच, शोल्डर 10, बाजू की लंबाई 4, मोई 10, बैक साइड की गले की लंबाई 9 इंच और फ्रंट की गले की लंबाई 6 इंच। तो चलिए ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करें। यहाँ हम फ्रंट और बैक दोनों साइड की पल्लू की कटिंग एक साथ करेंगे, सिर्फ गले की कटिंग अलग अलग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें ब्लाउज की कटिंग। हमारी ब्लाउज की लेंथ 12 फीट। यहाँ नीचे की हेमिंग के लिए 100 इंच पर मार्क करके स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की ओर हाफ इंच पर मार्क लगाएंगे। मार्क लगा देंगे स्केल की मदद से, ड्रॉ कर लेंगे। हमारी शोल्डर 10 है। इनको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो 5 आती है। हम 5 इंच पर मार्क लगाएंगे। हमारी गले की थोड़ा 2.5 इंच होगी। हमारी ब्लाउज की लेंथ 12 थी, देखिए 12 है। ऊपर सिलाई के लिए 1/2 इंच और नीचे के कपड़ों के मार्जिन के लिए 1.5 इंच, टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा यानी 14। हमारी चेस्ट 32 इंच है। 32 इंच को 4 से डिवाइड करने पर 8 इंच आती है और नीचे की 7। आठ इंच पर मार्क लगाएंगे। नीचे की चौड़ाई हमारी 7 थी बट 8.5 इंच पर मार्क लगाएंगे क्योंकि हमारी टक्स पड़ती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमारी शोल्डर की माप 10 थी, उसे 2 से डिवाइड करने पर 5 इंच आती है। फाइव इंच पे मार्क लगा लेंगे नीचे की साइड भी। हमारे बैक साइड की गले की टीप लंबाई 9 इंच है। यहाँ 1/2 इंच मैं गला छोटा कर रही हूँ इसलिए मैंने 9 इंच लिया, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा नहीं रखा है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच। हमारी चेस्ट की माप 32 इंच है। आस्तीन के लिए 32 इंच को 5 से भाग देना तो 6.4 आती है। हम 6
इंची लेंगे यहाँ पर। आज तक मैं आप 6.4 ही होनी चाहिए बट मैं यहाँ 6 ही ले रही हूँ। आप अपने ब्लाउज की कटिंग करें तो 6.4 ही लें। मैं 6 इंच पे मार्क लगाऊंगी, इसे स्केल की मदद से ड्रॉ कर लूँगी, लाइन ड्रॉ करूँगी। बॉक्स ड्रॉ कर ले। गले किस गले के मार्क को मिलाकर बॉक्स बना ले। मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े लेंगे, उस पर मार्क लगाकर स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम आर्म होल के लिए बैक साइड की ओर कोने पर 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इसे इस प्रकार ड्रॉ कर लेंगे। कंधे के पास लगभग 1/2 इंच तिरछी लाइन खींच लेंगे। हम मार्क लगाने के बाद इसे कट कर लेते हैं। याद रखें हम यहाँ आगे और पीछे दोनों की पल्ले को एक साथ कटिंग कर रहे हैं, इसलिए गला ना काटें। गले की कटिंग अलग अलग पल्ले को होने के बाद कटिंग करेंगे। यहाँ हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग कर रहे थे, इसलिए आगे और पीछे की दोनों की पल्ले की लेंथ सेम है। ये हमारी बैक साइड के पल्ले, इस पर आप अपने मनचाही गले की डिजाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। पीछे के टक्स के लिए हम तीन इंच पर मार्क लगाएंगे। लेंथ हमारी 5 इंच होगी, लंबाई लाइन खींच ले और 1/2 इंच दोनों साइड तिरछी लकीर खींच ले। ये हमारी आगे की पल्ली हम बाजू के पास बॉक्स बना लें। आगे की आर्म होल की कटिंग की टिपनेस थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए ये मैं मार्क लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ। कटिंग गला 2.5 इंच, लेंथ 6 इंच है हमारे गले की आगे की। स्केल की मदद से इसे बॉक्स बना ले। आगे की आर्म होल के तीरे के लिए हम 1/4 इंच पर निशान लगाएंगे और टोटल 6 इंच हमारी आर्म होल की लंबाई थी, उस पर 3 इंच पर मार्क लगाकर हल्का सा 1/2 इंच की लकीर खींचकर इसे मिलाते हुए गोलाई की शेप दे देंगे।
रखा हुआ है। फ्रेंच कट शेप देने के लिए हम 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। लेंथ 4 इंच पर निशान लगाकर एक लंबी लकीर खींच लेंगे। और ऊपर तीरे के पास लगभग 2.5 इंच की दूरी पर एक तिरछी लकीर खींच लेंगे। फ्रंट के भी गले आप अपने अनुसार दे सकते हैं। पेपर की कटिंग कर लेते हैं। अब लकीर के पास फोल्ड करके स्केल की मदद से तिरछी लाइन खींच लेंगे। और इसे कट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार यह शेड भी करेंगे। इधर साइड भी तिरछी टिकी खींच लेंगे हल्का तिरछा और इसे कट कर देंगे। देखिए हमारी ये शेप कट चुकी है। देखिए स्काई करने पर इस प्रकार सिलाई करने पर ये इस प्रकार बनेगी। अब बैक साइड की गले की कटिंग कर लेंगे। बैक साइड के टक के बाद कटिंग कर सकते हैं। ये मैं कटिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि आप देख सकें किस प्रकार इसकी सिलाई होगी। ये हमारा बैक साइड का पल्ला कट चुका है। ये मेरी बैक साइड और फ्रंट दोनों एक साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।